हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आप हमेशा फिट और हेल्दी रहो और हमें ऐसे ही प्यार देते रहो। सो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ नए साल की पहली वीडियो और उसके हम बात करेंगे। अभी विंटर सीजन चल रहा है तो कौन कौन से ऐसे बेस्ट फूड्स हैं जो आपको विंटर्स की डाइट में डेली लेनी चाहिए। विंटर्स में बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करता है, जैसे घी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में होनी चाहिए, जो आपके हेयर्स, आपकी स्किन, आपकी वेट लॉस जर्नी, आपके हर चीज़ में आपका साथ देंगे और आपको फिट और हेल्दी बना के रखेंगे। सो टॉप 10 विंटर्स फूड कौन कौन से हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज, हमारे जितने भी ग्रेन्स हैं, विंटर के जो स्पेशली ग्रेन्स होते हैं वो हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए। जैसे कि बाजरा विंटर्स में बहुत अच्छा होता है। जो भी आप रोटी बनाते हो तो अकेले वीट की बजाय आप बाजरा उसमें थोड़ा सा इंक्लूड ज़रूर करो। एक तो बहुत अच्छा मिलेट है और आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। या फिर आप रागी का रोटी भी ले सकते हो। रागी प्लस वीट को मिक्स करके अगर आप लेते हो तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी जाती है, आपका वेट लॉस भी अच्छे से होगा। और ये बेस्ट ग्रेन्स होते हैं विंटर्स में लेने के लिए, बिकॉज इसमें फाइबर भी गुड अमाउंट में पाया जाता है। सो नेक्स्ट थिंग इज, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि विंटर्स में सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ऑरेंजेस अच्छे हैं, गावा है, आंवला है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन के लिए, स्पेशली जिन लोगों को हेयर्स की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। इसके अलावा आप ऑरेंजेस इंक्लूड कर सकते हो, आंवला ले सकते हो, गावा ले सकते हो, स्वीट लाइम ले सकते हो, पीचेस ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट बेरीज ले सकते हो, या फिर कीवी भी ले सकते हो। ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका बहुत सपोर्ट देते हैं। विटामिन सी रिच होते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी जो होती है वो विटामिन सी की जो है ना तो प्रोड्यूस करती है ना ही वो उसको स्टोर करके लेती है। तो आपने उसको फूड के थ्रू ही लेना होता है, जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन सी अगर आप डाइट में इंक्लूड करते हो तो वो आपकी वेट लॉस जर्नी में भी आपका बहुत ज़्यादा साथ देता है, बिकॉज इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब एंड स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वेट लॉस जर्नी में। आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग में जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं हम उसमें बोलते हैं कि आप जीरा वाटर लो, आप सिनेमन वाटर लो, तो ये सारे हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं। और विंटर्स में आप उनके डिफरेंट डिफरेंट वाटर ले सकते हो, रात को इन्फ्यूज करो, नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको ल्यूक वार्म करो, स्टेन करके आप लोग उसको ले सकते हो, या फिर उसकी डिफरेंट टीज भी बना सकते हो। जैसे कि हम लोग हर्बल टीज बोलते हैं, कलौंजी की टी हो गई, सिनेमन की टी हो गई, या फिर अजवाइन की टी बना के ले सकते हो। तो आप जितने भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं उनकी टीज अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। वो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका साथ देंगे, आपके डाइजेशन को अच्छा करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं, और आपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं उनको अच्छे से बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है और आपके डाइजेशन प्रोसेस भी अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, और भी उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स। इस जैसे कि विंटर सीजन में हम वैसे तो हम पूरे साल में अपने लेंटीज एंड लेग्यूम्स लेते हैं, बट विंटर सीजन में आप उसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके ले सकते हो। जैसे कि दाल पालक अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छा है, या फिर आप उसको दाल पालक का साग भी बना सकते हो, दाल प्लस कोई भी ग्रीन सब्जियां ले सकते हो। तो जितने भी हमारे लेंटीज हैं, लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, राजमा चने, आप उनको ज़रूर लो और साथ में खूब सारी सब्जियों को इंक्लूड ज़रूर करो। प्रोटीन के गुड सोर्स होते हैं, फाइबर रिच होता है, उसमें काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आपके जिन लोगों को लाइक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी उसको ले तो आपके उनमें, बिकॉज उनमें जो फाइबर इतना गुड अमाउंट में होता है तो आपको कोई भी इशू नहीं आने देता। दाल बहुत अच्छी होती है और जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो तीनों मील्स में एज अ स्प्राउट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, चना दाल की रोटी ले सकते हो। इसमें जितने भी हमारे लेंटिल्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, बीन्स होते हैं, राजमा चने, सोयाबीन, तो इन सबको ज़रूर इंक्लूड करें। इसमें पोटाशियम होता है, आयरन के गुड सोर्स होते हैं, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल में करते हैं, इसमें फाइबर भी गुड अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रीन वेजिटेबल, जो कि हाई होती है क्लोरोफिल में, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसमें, कैल्शियम होता है, फॉलेट होता है, तो इन
चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करें और वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपकी बॉडी को फाइबर देती हैं, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और रेड और ऑरेंज वेजिटेबल जैसे कि कैरेट हो गया, उस इन सब चीज़ों को भी ज़रूर इंक्लूड करें। बीटरूट बहुत अच्छा है अभी आपके लिए लेना, आपकी स्किन के लिए भी, जैसे कि टमाटो बहुत अच्छा है अभी, रेड पेपर्स ले सकते हो, रेड बेल पेपर्स ले सकते हो, येलो बेल पेपर्स ले सकते हो, कैप्सिकम ले सकते हो, मशरूम्स बहुत अच्छी हैं। तो ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बिकॉज इन सब चीज़ों में विटामिन सी भी होते हैं और बहुत सारे और भी विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक नेक्स्ट थिंग इज, प्रोबायोटिक बहुत अच्छा है, आप उसकी जगह जैसे छाछ ले सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, जो कि आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और आपकी ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देसी घी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत सारे लोग जब अपनी वेट लॉस जर्नी पे आते हैं तो वो अपनी देसी घी को बंद कर देते हैं, बट देसी घी को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, वो आपके वेट लॉस जर्नी में आपका सपोर्ट तो देता ही है और उसमें हेल्दी फैट्स बहुत गुड अमाउंट में पाए जाते हैं। काओ मिल्क को ज़रूर इंक्लूड करें। ऑलवेज लोग बोलते हैं कि जैसे कि लो फैट मिल्क के बजाय अगर आप काओ मिल्क को लोगे अपनी डाइट में तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी भी जाएगी, और काओ मिल्क बहुत अच्छा होता है लेना इंस्टीड ऑफ लो फैट मिल्क, बिकॉज उसमें विटामिन डी होता है, कैल्शियम गुड अमाउंट में पाया जाता है, विटामिन बी 12 होता है और वो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। आप उसकी स्मूदीज बना सकते हो, रात को गर्म दूध लेके जरूर सो, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपकी टायर्डनेस जो पूरे दिन की थकावट होती है उनको भी दूर दूर करता है। आप कोकोनट मिल्क भी ले सकते हो अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, या फिर ओट्स मिल्क भी आप ले सकते हो, रात को ऐसे उसको सोक करो या फिर 20-25 मिनट पहले सोक करो उसको, उसके बाद उसको ब्लेंड करके आप स्ट्रेन करके जो मिल्क निकालते हो वो ओट्स मिल्क होता है, तो आप वो भी ले सकते हो। काओ मिल्क जैसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं, कैरेट मिल्क ले सकते हैं, मखाना मिल्क ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ डार्क चॉकलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे डार्क चॉकलेट जो होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत हाईएस्ट अमाउंट में पाए जाते हैं, तो वो आपके वेट लॉस जर्नी में आपका सपोर्ट भी आपको करती है। एंड इसके अलावा जैसे जिन लोगों के मूड बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं उनके लिए भी डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा थिंग्स हैं, आप एग्स को इंक्लूड कर सकते हो, बॉयल्ड एग्स बहुत अच्छे होते हैं, उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन बी 12 होता है, अपने बच्चों को भी आप दे सकते हो, स्पेशली अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए बिकॉज इसमें काफी गुड अमाउंट का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज ओट्स मिल जो होता है, ओट मिल जैसे कि हम ओट मिल बनाते हैं रात को ओवरनाइट, उसको सोक करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको उसमें थोड़ा सा मिल्क इंक्लूड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, सीड्स डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए भी और अपने बच्चों को भी आप दे सकते हो, विंटर स्पेशल फ्रूट है, तो ये आपके वेट लॉस जर्नी में भी आपका साथ देता है। तो ये सारी जितने भी आइटम्स हैं वो विंटर स्पेशल होती हैं, विंटर्स में आपकी जर्नी में आपका साथ देती हैं, आपके वेट लॉस में आपको सपोर्ट करती हैं, आपकी स्किन को अच्छा रखती हैं, आपके हेयर्स को अच्छा रखती हैं। जैसे कि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि जो भी डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर उसमें कभी भी ऐसी कोई डाइट नहीं अभी तक होती है वेट लॉस के लिए कि आपको ये बोला जाए कि आप इस ग्रुप में से कुछ नहीं ले सकते हो या उस ग्रुप में से भी, बिकॉज डाइट में आपको हर चीज़ अलाउड होती है, ऐसी कोई भी फूड आइटम नहीं है जो आपको अलाउड नहीं होती है, आप उसको हेल्दीएस्ट वे से बना सकते हो, तो आप उसको हर चीज़ को, हर आइटम को इन्जॉय कर सकते हो। तो अपनी डाइट जो भी आप फॉलो करो उसको हेल्दी तरीके से बनाओ और हर चीज़ को इन्जॉय करो, जैसे कि गाजर का हलवा है वो भी आप खा सकते हो, तो हर ऐसी सीज़न के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ लेनी चाहिए, उससे भी आपका वेट लॉस हो जाता है, बट आपको इतना पता होना चाहिए उसको कुक कैसे करना है, उसको बनाना कैसे, उसको हेल्दी वे से हम कैसे बना सकते हैं, और पोर्शन साइज मेन वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये सब चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आपके वेट लॉस जर्नी में आपका साथ देंगे, आपकी स्किन को अच्छा करेंगे, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए बाय, टेक केयर, फिट रहें और अच्छा खाना खाएं।